कुल्लू सदर विधानसभा क्षेत्र में मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने खराहल घाटी के बिजली महादेव सड़क की 22 किलोमीटर चौड़ाई के कार्य का शुभारंभ किया। इससे खराहल घाटी की 9 पंचायतों के हजारों लोगों के साथ साथ बिजली महादेव जाने वाले पर्यटकों को यातायात की बेहतर सुविधा मिलेगी। यहाँ पे आज मुझे बहुत खुशी की अनुभूति हो रही है कि यहाँ पे जो हमारा राम शिवला बिजली महादेव मार्ग है, इसे चौड़ा करने का काम शुरू हो गया है। ये PMGSY स्टेज 3 में जो था, फेज 3 जो है उसमें ये जो इसकी स्वीकृति है, और लगभग 16 करोड़ से ऊपर का इसका जो है बजट है। और ऐसे में मैं समझता हूँ कि ये 5 साल की कॉन्ट्रैक्टर मेंटेनेंस भी इसमें करेगा, और ये यहाँ से रामशिला से लेकर गोब्बा तक जो ऊपर है आखिरी पॉइंट तक इसकी वाइडनिंग होगी। और मैं समझता हूँ कि ये खराल के क्षेत्र के लिए, जहाँ यहाँ के लोगों के सुविधा के लिए बहुत बेहतर यहाँ पे सड़क का ये जो आवागमन वाहनों का रहेगा, कोई जाम की समस्या में इसमें हल मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ पर्यटन के लिए बहुत ही ये जो है फायदेमंद रहने वाला है। तो ऐसे में खराल की जो 9 पंचायत की जनता है, मैं समस्त खराल वासियों को बधाई देता हूं कि हमारे आज ये शुभ घड़ी में खराल के जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कुल्लू का है 16 करोड़ से ऊपर का, इसकी रोड वाइडनिंग फ्रॉम रामशिला टू बिजली महादेव, इसका आज हमने जो है भूमि पूजन करके शुभारंभ कर दिया है। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।